रिसेंटली वन पीस की 25th एनिवर्सरी थी, जिसके अंदर हमें वन पीस के फैन लेटर के बारे में बताया था और आज उस वन पीस के फैन लेटर का पहला एपिसोड आ चुका है। और मैं तुम्हें ये गारंटी से कह सकता हूँ कि ये एपिसोड तुम्हें अभी जो एनिमेस चल रहे हैं उनसे बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। इसकी एनिमेशन इनके मुकाबले लाख पट अच्छी है और इस वीडियो में वन पीस फैन लेटर का रिव्यू और ब्रेक डाउन करने वाले हैं। तो जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उसके पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट में बता दो तुम्हें ये एपिसोड कैसा लगा। इस एपिसोड का पर्सनली एक रिव्यू दे देता हूँ। इस एपिसोड का सेटअप है मरीन फोर्ट आग के 2 साल और मरीन फोर्ट आग के बारे में थोड़ा बहुत। इस स्टोरी के अंदर हम कई सारे लोगों की स्टोरी देखने वाली है और कैसे उनकी लाइफ पर स्ट्रॉ हैट्स इफेक्ट किया है और कई लोगों की स्ट्रॉ हैट्स की वजह से जान भी बची है। फॉर एग्जाम्पल, ये बंदा दिख रहा है तुम्हें मरीन, तो लूफी ने इनडायरेक्टली इसके भाई की जान बचाई। इस प्रकार हम कई सारे एग्जाम्पल देखने वाले हैं, लेकिन इस स्टोरी में मेन जो फोकस रहने वाला है वो है इस लड़की पर। हाँ, मुझे पता है ये नामी जैसी बहुत ज्यादा दिख रही है, एक्चुअली में इसका कैरेक्टर जो है वो नामी से इंस्पायर है। मतलब कि जैसा इस सोल्जर के लिए लूफी था, वैसी इस लड़की के लिए नामी है। और बात करते हैं एनिमेशन की इस एनिमे की, तो वो तो चुम्मेश्वरी थी। इनके मुकाबले अपने वन पीस के जो फैन लेटर एपिसोड की एनिमेशन बहुत ही ज्यादा अच्छी थी, बहुत ही। इसके अंदर हम कई सारे हमारे पुराने सीन्स रिक्रिएट होके भी देख सकते हैं, जैसे कि लूफी वर्सेस पैसिफिस्टा जो उसने वन शॉट कर दिया था वो वाला सीन, और भी बहुत कुछ। अब जरा हम एपिसोड के ब्रेकडाउन पर आते हैं। तो स्टार्टिंग में हम देखते हैं मरीन फोर्ट का सीन, जिसके अंदर हम एक बंदे को देखते हैं जिसके बारे में हम आगे बात करें। हमें मरीन फोर्ट आग के थोड़े बहुत सीन दिखाए जाते हैं, जिसके अंदर हम मिहोक को भी देखते हैं। उसके बाद हमारा सीन चेंज होता है और हम आते हैं साबा ओडी आको पेलीगो पर, जहाँ पे हम एक लड़की को देखते हैं। इसे पायरेट्स बिल्कुल पसंद नहीं थे, लेकिन पावर फेम पर ये पूरी दुनिया डिपेंड है। डेविल फ्रूट की पावर लेके लोग लड़ते हैं। उसी बीच में है नामी, जिसके पास कुछ डेविल फ्रूट भी नहीं है और वो एक सादी सी लड़की है, फिर भी वो इतने बड़े बड़े चीजें कर रही है। इसे देखकर ये लड़की इंस्पायर हो चुकी है कि अब इसे भी एडवेंचर पर जाना है। और इसी बीच में हम बहुत सारे बढ़िया बढ़िया मूवमेंट देखते हैं, जैसे तुम यहाँ पर देख सकती हो, ये सारे लोग एक्चुअली में जोरो की बदनामी कर रहे हैं और जोरो उनके पीछे बैठा हुआ है। तो ये जो हमारी लड़की है जिस नामी को उसका फैन लेटर देना है, एक एडवेंचर पर जाने वाली है नामी को उसका फैन लेटर देने, लेकिन इस बीच में उसके सामने कई सारे खतरे आएंगे, क्योंकि ये स्टोरी सेटअप की गई है उस दिन पर स्ट्रॉ हैट्स ने यूनाइट किया था। मतलब कि तुम्हें याद होगा ना, जब रेनफॉल हुई थी उसके बाद जब लूफी था, उसके हाथ पर 3Y2D करके कुछ लिखा हुआ था, वो एक कोट था साबोडिया पेलीगो पे कब ये लोग रिटर्न करने वाले है, क्योंकि नामी की इतनी बड़ी फैन है तो इसने इस कोट को डिकोड कर लिया। जहाँ पर उसे साफ भी मिलता है को नहीं पहचान शांति, क्योंकि वो उसके गॉड स्टाफ वाले फॉर्म में था। और इसके बीच में उसे वो मनीर वाला बंदा भी मिल जाता है और हम थोड़ी देर इनकी स्टोरी भी फॉलो करते हैं। और यही थी बेसिक स्टोरी वन पीस फैन लेटर की, और ये एपिसोड बिल्कुल झक्कास। और हमें लास्ट में मतलब पोस्ट क्रेडिट में ये बताया गया है कि वन पीस जो कि ब्रेक पर है वो फिशमैन आइलैंड को वापस रीएनिमेट कर रहे हैं। और ये सिर्फ फिशमैन आइलैंड नहीं है, थोड़ा बहुत साबा और पेलागो का शुरुआत का जो हिस्सा था उन्होंने इसे भी रीएनिमेट किया है। और अगर तुम्हें वन पीस और कई सारे एनिमेस के टॉपिक पसंद आते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और जब तक के मैं तुम्हें यहाँ मिलूंगा।